हेलो एंड वेलकम बैक टू जिंजर स्पोर्ट्स। आप सब लोग देख रहे हैं जिंजर स्पोर्ट्स शो और आज हम बात करेंगे यहाँ पर, बल्कि आप तो देख रहे हैं पीएसएल का बुखार। यार पीएसएल का बुखार देख रहे हैं आप लोग और आज हम बात करने वाले हैं 3 से 4 बड़ी न्यूज जो कि पीएसएल के बारे में निकल कर आ रही है, सारी मैं आपको देने वाला हूँ और सारों के ऊपर डिटेल्स में आपके साथ बात करने वाला हूँ। अगर मैं आपको ओवरव्यू देना चलूँ तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो प्लेयर्स की लिस्ट है पीएसएल 2022 ड्राफ्ट प्लेयर्स लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद डेविड मिलर क्या ड्राफ्ट में नहीं होने जा रहे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हसन अली क्या असल मुक्ति नहीं मिलने जा रहे या वो झूठी खबरें थी, दैट आई एम गोना टेल यू इन द वीडियो। एंड विद दैट एट दी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोच और कैप्टन कौन रहने वाले हैं वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा। चैनल को आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियो को आप लोग लाइक करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना आप लोगों ने नहीं भूलना है। स्टार्ट करते हैं जी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले बात करते हैं पीएसएल 2022 ड्राफ्ट प्लेयर्स लिस्ट के ऊपर। तो अगर हम देखें इसको तो अभी तक डिले हो जा रहा है, अभी तक ना रिटेंशन आई है ना ड्राफ्ट की प्लेयर्स की लिस्ट आई है, तो डिले पर डिले हमें देखने को यहाँ पर मिल जा रहा है। तो अब जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जैसे कि ड्राफ्ट की प्लेयर्स जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो तो दिसंबर के पहले हफ्ते में देखने को मिलेगी, बट जो लोकल प्लेयर्स की लिस्ट है वो आपको अगले 3 दिन तक मैक्सिमम देखने को मिल जाएगी। लोकल प्लेयर्स की जो ड्राफ्ट की लिस्ट है रिटेंशन वगैरह वो अगले 3 दिन तक देखने को मिलेगी और जिसमें प्लेयर्स शामिल होंगे बाबर आजम वगैरह ये सारे होंगे, उसके साथ साथ आपको नए प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। पर जो फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट है ऐसे में तो आप लोगों को उसकी बेचैनी यहाँ पर, तो मैं आपको कुछ छोटी मोटी न्यूज़ देना चलूँ। एरन फिंच ड्राफ्ट में नहीं होने जा रहे हैं, जिमी निशम नहीं होने जा रहे हैं, इयान मॉर्गन बहुत कम चांसेस है, जॉनी बेस्टू बहुत कम चांसेस है, ये तो मैंने आपको न्यूज़ दे दी। उसके साथ साथ डेविड मिलर की अपनी सीरीज है तो डेविड मिलर भी नहीं खेल पाएंगे पीएसएल 2022। जब भी वो पीएसएल खेलने आते हैं कोई ना कोई तो मसला भाई हो ही जाता है, तो इस दफ़ा डेविड मिलर की अपनी सीरीज है तो वो पीएसएल खेलने नहीं आ सकते हैं, तो वो ड्राफ्ट में यही होंगे, सिंपल इज दैट। फिर अगर आप आगे आए तो हसन अली के ऊपर बात करें तो आपको हर जगह से न्यूज़ मिल रही होगी कि भाई हसन अली भी अपनी टीम बदलने लग गए हैं, वो वापस पेशावर में जा रहे हैं, इज गोइंग बैक टू पेशावर। लेकिन मैंने आपको न्यूज़ नहीं दी थी क्योंकि मुझे नहीं लगता था इस न्यूज़ में किसी भी हद तक सदाकत है, क्योंकि भाई जिस बंदे ने 1 साल पहले पेशावर जलमी को छोड़ा है और उसने मतलब इन्जॉय करने के लिए छोड़ा है, वाई वुड ही गेट बैक टू पेशावर जलमी यार, इसका कोई दुख नहीं बनता टू बी वेरी ऑनेस्ट। प्लैटिनम कैटेगरी में उसने रहना है, उसको उतने ही पैसे मिलने हैं, तो उसको पेशावर में जाना कोई फायदा तो है भी, साफ सीधी बात भाई, तो क्यों जाएगा पेशावर सिल्मी में। तो इसलिए मैंने आपको नहीं थी, एक तो लॉजिकली, दूसरा मेरे सोर्सेस कंफर्म नहीं कर रहे थे। और अब जो आपको एक ट्वीट रिसेंट देखने को मिली है यहाँ पर हसन अली की, उससे भी आपको कंफर्म हो गया, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी अभी देख सकते हैं कि उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया है अजहर महमूद को इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कोच है वो बनने के लिए, हसन अली हैज कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम, वो सिंपली मीन्स दैट हसन अली इज गोना रिमेन इन इस्लामाबाद यूनाइटेड और अपनी टीम नहीं चेंज करेंगे। तो ये काफ़ी एक बड़ी न्यूज़ आ रही थी कि मैंने कहा आपको ये बता दूँ कि हसन अली वॉन्ट बी चेंजिंग हिज टीम फॉर पीएसएल 2022 आज वेल। कमिंग ऑन जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नए कोच का ऐलान कर दिया और साथ में अपना जो उनका कैप्टन है वो देखते कौन होगा, बट जो कोच का उन्होंने अनाउंसमेंट की है उनका जो कोच होंगे वो अजहर महमूद उनके कोच रहेंगे पीएसएल 2022 के एडिशन के लिए, अजहर महमूद विल बी कोचिंग देम। और मेरा ख्याल है कि अच्छी उन्होंने एक चॉइस ली है यहाँ पर अजहर महमूद के साथ जाने के लिए, दैट्स गुड मूव। फिर ये अपडेट जो अगली आ रही है वो आ रही है माज वसीम के बारे में कि माज वसीम जो है वो आपको पीएसएल 2022 के अंदर अपना कराची ना क्वेटा सीधा देखने को मिलने वाले इस्लामाबाद यूनाइटेड में यानी कि जहाँ पे वो रहते हैं। तो यहाँ तक बात रहेगी इस खबर की और वो उनकी ही कैप्टनसी करेंगे, ये भी अपडेट आ रही है। तो आई वॉन्ट डिनाई दिस न्यूज बट दिस इज नॉट 100% करेक्ट एज वेल, ऐसा हो सकता है बट ऐसा होना मुश्किल है कि माधव सिंह बिल्कुल जो है ना एक नई टीम के साथ आए उनके कैप्टन बन जाए तो होना मुश्किल है बट पॉसिबल। चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपसे मिलूंगा मैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।